ओके, 67 नंबर शीट, ऑब्जेक्टिव ट्राई कर लिए सबने। 67 नंबर शीट के बाद जो नेक्स्ट शीट है 68 नंबर शीट है, डालो नंबरिंग 68 नंबर शीट है ये, नेक्स्ट शीट 68 नंबर शीट है। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं 68 नंबर शीट का प्रिंट आउट लें। देखो सबसे पहली चीज इन HCl मॉलिक्यूल, ये आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए, जो मैंने अभी ट्राई करने के लिए दिए थे उसकी सीक्वेंस में ही है। कईयों का हो गया होगा, कई प्लीज देखें। HCl मॉलिक्यूल जो है उसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। क्लोरीन का मास हाइड्रोजन के मास से 35.5 टाइम्स ज्यादा है, गिवन है ये m है तो ये 35.5 m है। दोनों में डिस्टेंस गिवन है 1.27 एंगस्ट्रॉम है। आपको बताना है इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। एक बात तो पक्की है, ये भारी है और ये हल्का है। सेंटर ऑफ मास सेंटर में तो नहीं करेगा, थोड़ा आगे करेगा। तो हालांकि मैंने ऐसे ही दिखा दिया, थोड़ा राइट दिखाना चाहिए था, तो जो है कहीं राइट की तरफ कोई पॉइंट आएगा। पहली पॉइंट क्लियर है, कहाँ होगा ये क्वेश्चन है। अब कहाँ होगा इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, क्योंकि अगर कोई सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा तो डिस्टेंस हाइड्रोजन से लें कि डिस्टेंस क्लोरीन से लें पता नहीं। तो क्वेश्चन पूछने वाला नॉर्मली ये बताता है कि डिस्टेंस कहां से लेना है। तो मान लो क्वेश्चन पूछने वाला बताता है कि डिस्टेंस क्लोरीन से हाइड्रोजन से बोलो कितनी दूरी पे है सेंटर ऑफ मास। अगर वो बोलता है हाइड्रोजन से कितनी दूरी पे है, तो आप ये मान के चले कि हाइड्रोजन आपका रेफरेंस पॉइंट बनेगा, ओरिजिन बनेगा 0.0। अगर वो बोलता क्लोरीन से कितनी दूरी पे है तो फिर क्लोरीन को मानते 0.0। क्लियर यहां तक। अगर कुछ नहीं कहता फिर किसी को भी ओरिजिन ले लो, मैंने हाइड्रोजन को ओरिजिन ले लिया 0.0, कोई डाउट इसमें। तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा, इनके बीच में कहीं लाई करेगा। तो अगर ये एक्स एक्सिस मानता हूं, अगर ये वाई एक्सिस मानता हूं, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0.0 है। ये दूरी कितनी है 1.27 है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 1.27, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि वाई एक्सिस तो है ही नहीं इसका, क्योंकि तो एक्स एक्सिस पे पड़े हुए हैं, इमेजिन कर रहा हूं मैं, कोई डाउट इसमें। तो ये कोऑर्डिनेट सबको क्लियर है 0.0 और 1.27.0। मान लो सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बोलो एक्स सेंटर ऑफ मास .0 या x.0 जो भी लेना ले सकते हो, और मुझे x निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि हर कोई किस पे पड़ा हुआ है x एक्सिस पे। तो ये मास m1 क्या हो जाएगा m2 क्या हो जाएगा 35.5 टाइम्स m, ये क्या बन जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, x1 y1 x2 y2। सेंटर ऑफ मास y में तो होगा नहीं, वो तो 0 होगा। x सेंटर ऑफ मास का फार्मूला पता है हमें, m1 की जगह m2 की जगह 35.5 टाइम्स m, x कोऑर्डिनेट इसका कितना 0, x कोऑर्डिनेट इसका कितना 1.27। टोटल मास में m प्लस 35.5 m, ये 0 हो जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करो ये टर्म आएगी, ऐड करो ये टर्म आएगी, m से m कैंसिल, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा। और हमने ये x कोऑर्डिनेट कहां से माना, ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब हाइड्रोजन से, तो आपका आंसर कहां से आया फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। मेथड समझ में आया कैसे निकलेगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ठीक है यहां तक। फिर चलो ट्राई करते हैं। सपोज आपके पास तीन बॉल्स हैं, तीनों का मास बराबर है m, m और m, तीनों का रेडियस भी बराबर है r, r और r, तीनों इकट्ठे टेबल पे पड़ी थी 1, 2, 3 ट्राइंगल बनाते हुए, पूल टेबल के ऊपर जैसे तीन बॉल्स पड़ी हैं। आपको इन तीनों का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। सबसे पहले ये बताओ कि इस बॉल, ये बड़ी बॉल है, इस बड़ी बॉल का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास इस बॉल का कहां पर पाया जाएगा, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे। इस बॉल का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे। तो इसका मतलब इसका मास यहां पर m1 m2 m3, और मुझे क्या ढूंढना है, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास। तीनों का सेंटर ऑफ मास का मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये है। तो मैं इन तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं क्या है, तो मैं ये इमेजिन करूंगा इस बॉल का मास यहां पर है, इस बॉल का मास यहां पर है, इसका मास यहां पर है। तो क्योंकि रेडियस r है तो ये लेंथ 2r, 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया सेंटर्स का, ठीक है यहां तक। तो एक काम करते हैं,
हम किसी भी बॉल के एक सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं, जो आपकी इच्छा है मान लो, आप इसे मानना चाहते हो, इसे मानना, जिसे मर्जी मान लो। मैंने इसे मान लिया तो मैंने इसे 0.0 ओरिजिन मान लिया, 0.0 ओरिजिन मान लिया। ये लेंथ कितनी है? आर प्लस आर, 2r, 2r। ये ट्राइंगल मैंने अलग बनाया है, देखो ये वाला फिगर, समझ में आ रहा है? ये फिगर कहां से आई? ये बॉल के सेंटर्स को ज्वाइन करता हुआ ट्राइंगल है। तो मुझे पता है कि यहां पर मास, यहां पर मास और यहां पर मास बराबर है, तो मास m1 m2 m3 तो बराबर है। यहां का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? ओरिजिन मानना 0.0, राइट? तो ये 0.0 क्लियर है। यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस मान रहे हो आप, ये वाई एक्सिस मान रहे हो, तो एक्स एक्सिस में कितनी दूरी है? 2r। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 2r, 0। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये 2r, 0। फिर अब इसकी बात करें, इसका कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, मुझे दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट यहां से किसके इक्वल है? आर के। ये देखो ये 2r है, तो आधा कितना है? आर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया? आर। y कोऑर्डिनेट निकालने कितना होगा? y कोऑर्डिनेट के लिए का मतलब ये हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक? y कोऑर्डिनेट का मतलब ये निकालना, यानी कि ये निकालना, क्लियर डायग्राम है? तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में या तो टेन 60 लगा लो या साइन 60 लगा लो। साइन 60 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2r, तो y की वैल्यू 2r इंटू साइन 60, साइन 60 √3/2, तो y आ गया। कोई डाउट इसमें? तो y कोऑर्डिनेट भी आ गया। कोई अगर पूछे कि ये क्या चल रहा है, ये मैथ्स चल रहा है, ये फिजिक्स नहीं चल रही, कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है यार, फिजिक्स कहाँ है अभी? तो कोऑर्डिनेट्स तो मैथ्स का ही काम है ना, कि ये एक्स एक्सिस ग्राफ पेपर भी तो बनाते ही थे, 0.0। तो ये क्या बन जाएगा? x1 y1, ये क्या बनेगा? x2 y2, ये क्या बनेगा? x3 y3। स्टेप क्लियर है? m1 m2 m3 बराबर है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ गया। कोई डाउट इसमें? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पता है सबको इसमें, क्योंकि तीन पार्टिकल है तो तीन तक रिजल्ट एक्सपैंड होगा, m1 x1 m2 x2 m3 x3। मास पहले बॉल का m है और x कोऑर्डिनेट 0 है, सेकंड का m है, x कोऑर्डिनेट 2r है, थर्ड का m है, x कोऑर्डिनेट r है, अपॉन टोटल मास m+m+mr। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखा, m1 m2 m3 पता है और साथ में y1 y2 और y3 होता है। इन तीनों को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे करना है इसे? मेथड क्लियर है? ठीक। जैसे अब ये मैंने नोट लिख दिया जो आज क्लास में मैंने करवाया था, कि नोट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बॉडी आइदर मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मान लो लेंथ है, इसका मास एम है और लेंथ एल है। तो मैंने बताया था रॉड अगर लेंथ की तरफ लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो हम क्या यूज करते हैं? एम अपॉन लेंथ का सिंबल लैम्डा। लैम्डा को क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। उसी तरीके से मैंने बताया था जैसे डिस्क का एग्जाम्पल है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, तो सिंबल क्या यूज करेंगे डेंसिटी का? सिग्मा, मास अपॉन डिस्क का एरिया। क्लियर? उसी तरीके से सॉलिड स्फीयर, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको क्या नाम देंगे? वॉल्यूम, मास डेंसिटी, सिंबल क्या होगा इसका? रो, लैम्डा सिग्मा रो। क्लियर है यहां तक? इसके बेस पे सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास एक थिन पतली सी शीट है, पतली पतली सी, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट, ये एक स्क्वायर शीट है, ये एक डिस्क है, ये भी शीट है, आपको दोनों का सिग्मा बराबर गिवन है, इसका भी और इसका भी, दोनों की डेंसिटी बराबर गिवन है। जब मैं बोलता हूं दोनों के लिए डेंसिटी सरफेस की सिग्मा है, और हम सिग्मा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, राइट? तो जैसे अगर मैं कहूं कि सपोज स्क्वायर है, स्क्वायर का सिग्मा और सिग्मा दोनों के लिए सेम है, स्क्वायर के का मास निकालना चाहता हूं मैं, मास ऑफ स्क्वायर, बोलो किसका एरिया लूंगा आप? स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया बोलो कितना है? एल स्क्वायर। तो यहां से मास ऑफ स्क्वायर क्या जाएगा बोलो? सिग्मा इंटू एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं सेम डेफिनेशन यूज करूं डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए मास ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय एरिया डिस्क का बोलो कितना है? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। और जो मुझे दिख रहा है इसका डायमीटर एल है,
रेडियस क्या होगा, एल बाई टू, तो पाई इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहां से मास ऑफ डिस्क क्या आएगा बोलो, सिग्मा पाई इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सिग्मा की एप्लीकेशन समझ में आ रही है कि सिग्मा गिवन होगा तो मासेस कैसे निकाले जा सकते हैं। अब देखो इसमें, तो आपको लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। इस शीट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इस शीट के सेंटर पे। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, डिस्क के सेंटर पे। और हमने इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं इनकी लाइन के बीच में होगा, जहां भी होगा। ठीक है यहां तक? तो इस डॉटेड लाइन पे होगा जहां पर भी होगा, डिपेंडिंग किसका मास भारी है, इसका या इसका। क्योंकि हमने ये मान लिया कि डिस्क का मास डिस्क के सेंटर पे है, मान लो m1, तो मैंने करके दिखाया सिग्मा इनटू l स्क्वायर डिस्क का मास, सॉरी शीट का मास, स्क्वायर का मास, डिस्क का मास डिस्क के सेंटर करके दिखाया मैंने सिग्मा इनटू पाई इनटू l बाय 2 का स्क्वायर, राइट। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन ही होता है कि सेंटर ऑफ मास निकालो कहां से, जैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा सेंटर ऑफ मास निकालो इस शीट के सेंटर से, कितनी दूर होगा। तो जहां से भी निकालना है उसको क्या मान लेना है, ओरिजिन। जीरो कॉमा जीरो मान लिया, क्लियर यहां तक, यहां से निकलेगा। तो ये बताओ कि ये लेंथ कितनी है टोटल एल, आधी लेंथ क्या होगी एल बाई टू। टोटल लेंथ कितनी है एल, आधी क्या होगी एल बाई टू। तो एल बाई टू टोटल मिला के एल, तो बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एल कॉमा जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि y एक्सिस ये x एक्सिस पे चल रहा है, जो चल रहा है ये ओरिजिन है, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जीरो। क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक, क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर इस ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, m1 पता है m2 पता है, y कोऑर्डिनेट तो सेंटर ऑफ मास का आना ही जीरो है, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus, काम करें m1 की जगह ये पुट कर दें, x1 की जगह x कोऑर्डिनेट पुट कर दें x1, m2 की जगह ये पुट कर दें, x2 की जगह l पुट कर दें, m1 m2 की जगह ये और ये पुट कर दें, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। वैल्यूज पुट कर दी इसमें, क्या स्टेप क्लियर है, वैल्यूज पुट करके काम करना है। ये टर्म तो हो गई जीरो गया, ये टर्म एल स्क्वायर इंटू एल एल क्यूब, नीचे से फोर एलसीएम लेके इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखेंगे, एलसीएम लेके फोर से फोर कैंसल, तो ये टर्म आ गई। इसमें से सिग्मा इंटू एल स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा और यहां से क्या बचेगा पाई, सिग्मा सिग्मा एल स्क्वायर एल क्यूब कैंसल, तो आंसर ये आपका आंसर जो है इस तरीके से आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, डाउट इसमें? जैसे आपके पास अगर एक मास है m1 और m2 दोनों बराबर हैं, ठीक गिवन है, दो पार्टिकल हैं, दोनों के मास बराबर है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर गिवन है और दूसरे का भी वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है और दूसरे का भी एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है। वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि इन वैल्यूज को देखते हुए बताओ, क्योंकि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज हैं तो दोनों का सेंटर ऑफ मास तो किसी वेलोसिटी से मूव कर ही रहा होगा, दोनों की एक्सेलरेशंस हैं तो सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट तो कर ही रहा होगा। इस डेटा से देखते ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा होगा, सर्कल में घूम रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, पैराबोला में घूम रहा होगा। तो इसका आंसर था स्ट्रेट लाइन, इसमें आपको प्रूव करना है। आप प्रूव करने से पहले एटलीस्ट ये तो देखेंगे ही कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकलेंगी कैसे। सेंटर ऑफ मास की अगर आपको पोजीशन वेक्टर कभी भी निकालना हो तो मैंने आपको आज ये फॉर्मूला बताया, m2 इनटू r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेक्टर निकालनी है तो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक और फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला आएगा वो इसके इक्वल आएगा। ये आप जो है ये यूज कर सकते हैं, तीनों के तीनों फॉर्मूलास वैलिड है। ठीक, हमने ये तो आज देख ही लिया, ये भी साथ में देख लिया कि एक्सेलरेशन को भी ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक?
ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, पहले वेलोसिटी निकालने सेंटर ऑफ मास की। एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखो, m1 m2 तो बराबर ही है m और m, v1 वेक्टर पता है, v2 वेक्टर पता है, अपॉन m प्लस m टू m, m कॉमन निकाल के कैंसिल करो, सॉल्व करो तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, राइट? कर लोगे सॉल्व, वेलोसिटी वेक्टर आ गया। सिमिलरली एक काम करो, एक्सेलेरेशन निकालो सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन वेक्टर के लिए फॉर्मूला यूज करें, m1 m2 की जगह m और m, एक्सेलेरेशन a1 पता है ये रहा, a2 पता है 0, सॉल्व करें एक्सेलेरेशन आ गया। क्या आप इन दोनों वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को देखते हुए बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा? कैसे? क्योंकि आई कैप और जे कैप डायरेक्शन बताती हैं। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आई कैप प्लस जे कैप। एक्सेलेरेशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आई कैप प्लस जे कैप। तो अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो हमेशा मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट समझ में आया यहां तक कि जब भी एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, कुछ भी, तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही मार्क करना है। कोई डाउट इसमें? By chance इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा ऑप्शन बन जाता, कोई मुझे आंसर दे कि अगर वेलोसिटी वेक्टर आ जाता 2i कैप प्लस 3j कैप और एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाता माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप, कोई देखते हुए बता सकता है सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, रास्ता क्या होगा, उसका पाथ बताओ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, क्या होगा? मैं मूव ही नहीं करेगा, दूसरे बैच को पूछा था, आंसर नहीं आया, हो सकता है इस बैच में से किसी का आ जाए, और किया हुआ है बहुत बार, ये मैं बता दूं आपको, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देख लो। स्ट्रेट लाइन, एक आंसर स्ट्रेट लाइन आया, और कोई? नहीं करेगा मूव, ऐसा क्यों? एक्सेलेरेशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, मूव तो कर ही रहा है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, मूव तो कर रहा है, मेरी कार चल रही है, वेलोसिटी है, मेरी कार की एक्सेलेरेशन भी है, मूव तो कर ही रही है, रेस्ट भी तो नहीं है। स्ट्रेट लाइन, ओके ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है पहले बताओ, जीरो है, करके देख लो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ जीरो है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन, 90 डिग्री पे होगा तभी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन जब 90 डिग्री पे होता है सर्कल घूमती है बॉडी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसी होती है? टेंजेंशियल, और एक्सेलेरेशन हमेशा कहां होती है? टूवर्ड्स सेंटर, एंगल हमेशा क्या बनता है? 90, तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का वेक्टर 90 डिग्री पे होगा बॉडी कभी भी स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करती, बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, और अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट समझ में आया कैसे जस्टिफाई करना है? तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में है स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन 90 डिग्री पे है तो हमेशा सर्कल, याद रहेगा ये पॉइंट? मुझे आता नहीं पैराबोला कैसे करना है, आएगा ही नहीं, बस दो ही आते हैं, मतलब अगर आप ये कहो ना आई कैप जे कैप दे कैप दुनिया की कोई भी पाथ बना दूंगा, मैं नहीं कर सकता, फिर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करोगे प्लस वन में, ये इतनी भी आसान नहीं है, बस दो ही बता सकता हूँ आंसर, और दो ही स्टैंडर्ड है, दोनों में से एक ही आ जाएगा, यार क्या टेंशन है, पैराबोला नहीं आता, चिंता ना करो, ठीक है यहाँ तक? ठीक, और लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसे क्लोज करेंगे, क्या कि अगर आपके पास एक पुली है, पुली के साथ दो मासेज हैं m1 एंड m2, और मैं इनको रिलीज करने जा रहा हूं, m1 कहां जा रहा है? ऊपर, m2 कहां आएगा? नीचे। फाइंड एक्सेलेरेशन, आपको इसमें क्या है, तो लॉज ऑफ मोशन में करके आए हैं, पुली याद है, लॉज ऑफ मोशन से एक्सेलेरेशन का ही आता था आंसर, m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इनटू g, कोई डाउट इसमें? तो मैंने किससे पूछ लिया ये एक्सेलेरेशन किसकी है, तो बोला
इसकी ऊपर जाने की है तो इसकी नीचे आने की होगी सेम। मैंने कहा बिल्कुल सही है, पर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने कहा मेरे को एक्सेलरेशन ही निकाली ब्लॉक्स की, इमेजिन कर इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहीं हवा में होगा इमेजिनरी, ना एम वन में होगा ना एम टू में होगा, हवा में होगा। तो जब तूने इस सिस्टम को मूव करवाया सेंटर ऑफ मास मूव जरूर हुआ होगा, तो बोल उस सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या है। मेरे को मासेस की एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, मेरे को इमेजिनरी पॉइंट की एक्सेलरेशन चाहिए, क्या होगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? देखो मासेस की एक्सेलरेशन तो लॉज ऑफ मोशन से निकल गई थी, पर मेरे को यह पता है कि एम वन एम टू का सेंटर ऑफ मास उस तरफ होगा जहां भारी मास होगा। मान लो ये वो पॉइंट है हवा में, तो जब एम टू एम वन मूव कर रहे होंगे तो सेंटर ऑफ मास भी कहीं ऊपर नीचे जरूर मूव किया होगा। बताओ कितनी एक्सेलरेशन से मूव किया? तो वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज, नहीं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंडिविजुअल एक्सेलरेशन बॉडीज की तो हमारे पास है ए और ए, तो कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? एम वन ए वन एम टू ए टू एम वन प्लस एम टू, कोई डाउट इसमें? तो ये बताओ एक्सेलरेशन फर्स्ट ब्लॉक की और सेकेंड ब्लॉक की। फर्स्ट ब्लॉक की मान लो फर्स्ट ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मान लो ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव तो नीचे की पॉजिटिव, तो ये माइनस ए तो ये प्लस ए, तो यहां से ए कॉमन आ गया तो क्या बन गया? एम टू माइनस एम वन बाई एम वन प्लस एम टू। अब ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये रहा लॉज ऑफ मोशन से, इस ए को उठा के यहां पुट करें, पुट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो होल स्क्वायर आ गया। पॉइंट टू रिमेंबर लिखें कि आज के बाद अगर ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन आती है फिर तो लॉज ऑफ मोशन, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आती है तो फिर ये फॉर्मूला पुट करें। नीट में और मेंस में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये याद रहेगा। ठीक, तो फिर एक काम कर दें, ये ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने अलग मेथड से किया है, आप फॉर्मूले से ही कर लें। एक मास बोलो कितना है? 2 kg। एक मास कितना है? 1 kg। तो फिर आंसर बोलो क्या आएगा इसका? यहां पर क्या पुट करेंगे बोलो? 2 kg, यहां पर 1 kg। मासेस पुट कर लेंगे, एक मिनट में आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है? तो अगर तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालनी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और अगर सेंटर ऑफ मास की निकालनी है तो यहां पर होल स्क्वायर लगेगा, राइट? और सेंटर ऑफ मास पहले किस पे था? एट रेस्ट। रेस्ट तो किसी ने कहा ये बताओ टी टाइम में सेंटर ऑफ मास है, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इमेजिनरी डिस्टेंस? तो कुछ नहीं है, आप फॉर्मूला लगा देना एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की ये फॉर्मूला पुट करके जब न्यूमेरिकल आएगा तब की तब सॉल्व कर लेना। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? सेंटर ऑफ मास को कंटिन्यू रखते हैं, बहुत काम है सेंटर ऑफ मास में भी, 3 lecture लगेंगे।